देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेलवे पटरी पर युवक का शव मिला, बहन को देखने पर लाठी से किया हमला। वर्धा में आज एक भी पॉजिटिव नहीं। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बल्लारशाह रेलवे स्थानक से 1 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी पर युवक का शव मिला। युवक रेलगाड़ी में सफर के दौरान चलती गाड़ी से गिरने से मृत्यु होने का अनुमान पुलिस ने लगाया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक रेलगाड़ी से तेलंगाना से उत्तर प्रदेश के संबल जिले के रचेता ग्राम जा रहा था। युवक के पास से मिले प्लेटफॉर्म टिकट और आधार कार्ड के अनुसार वह उत्तर प्रदेश के ग्राम रचेता निवासी है। उसका नाम मोहम्मद नन्ने अब्दुल हकीम है तथा उम्र 24 साल है। युवक के शव को शिन्नाद के लिए ग्रामीण अस्पताल में रखा गया है। दूसरी खबर, बहन को क्यों देखता है यह सवाल करते हुए युवक को लाठी से पीटकर घायल कर दिया गया। यह घटना गांधीनगर में हुई। घायल संदीप शिंदे है, उस पर आकाश देवगन तथा उसके दो साथियों ने हमला किया। संदीप शिंदे काली अपनी बहन के यहाँ से घर से लौट रहा था। उसे गांधीनगर फाटे के पास आकाश देवगन और उसके साथियों ने रोका तथा बहन को क्यों देखता है यह पूछकर गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही पिटाई कर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ में संदीप की शिकायत पर आकाश व उसके दो साथियों पर दिग्रस पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तीसरी खबर, वर्धा जिले में आज एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। जिले में कोरोना से कुल 1325 की मौत हुई है। जिले में मंगलवार को 2 मरीज कोरोना मुक्त हुए है। वही अब तक कोरोना मुक्त होने वालों का आंकड़ा 48,060 है। जिले में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 4 है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे।